हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, तो आज मैं आपके लिए पारंपरिक तरीके से मटका कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बहुत ही कम सामग्री के साथ आप बना सकते हैं। तो आइए बेहद स्वादिष्ट और आसान तरीके से मटका कुल्फ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। मटका कुल्फ़ी बनाने के लिए हम एक मोटी तली वाली कढ़ाई लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे दूध तली से ना चिपके। इसके बाद हम इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे। दूध बॉयल हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक कि दूध 1/3 ना हो जाए। साइड्स में जो मलाई है उसे लगातार स्क्रैप करते रहेंगे। दूध को रिड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मटका कुल्फ़ी का एकदम पारंपरिक और ओरिजिनल टेस्ट चाहिए तो थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। दूध को हम धीमी आंच पर ही रिड्यूस करेंगे। अगर गैस का फ्लेम आप हाई या मीडियम करते हैं तो आप इसे छोड़कर ना हटें, नहीं तो अगर दूध थोड़ा सा भी जल गया तो कुल्फ़ी का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। जब दूध रिड्यूस होकर 1/3 हो जाए तब इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे, 1 चम्मच बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और 1/4 चम्मच छोटे इलायची का पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक इसे और पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि जब ये दूध ठंडा होगा तो इससे और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। दूध को एकदम रबड़ी जैसा ना बनाएं, नहीं तो कुल्फ़ी अच्छी तरह नहीं जमेगी। 2 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे। जब यह अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब एक विस्क की हेल्प से इसे 5 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। ऐसा करने से इसमें मलाई की जो गांठ रह गई है वह स्मूथ हो जाएगी। हम इस तरह से मटका या मिट्टी का कुल्हड़ लेंगे, इसमें इस मिक्सचर को डालेंगे। इस तरह से मैंने दोनों मटके में कुल्फी के मिक्सचर को डाल लिया है। इसके ऊपर कटे हुए बादाम या पिस्ता डालेंगे और इसे फॉयल पेपर या प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह से कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसे 7 से 8 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे। 8 घंटे हो गए हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट मटका कुल्फ़ी बनकर एकदम तैयार है। आप इसे बिना देर किए ठंडा ठंडा सर्व करें। इसका टेस्ट एकदम पारंपरिक और लाजवाब होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस टेस्टी टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।